दोस्तों नमस्कार। पिछले 24 घंटे देश की राजनीति के अंदर और न्यायिक प्रणाली के लिए बड़े महत्वपूर्ण रहे। पिछले 24 घंटे एक ऐसे नज़ीर बनेंगे आने वाले समय पे कि जिनकी आने वाले इतिहास की गवाही दी जाएंगी। पिछले 24 घंटे के अंदर देश के अंदर ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ था जिसके बाद कि वो राजनीतिक रूप से उसकी चर्चाएँ दूर तक होंगी तो न्यायिक प्रणाली की भी उसकी कहीं मिसाल दी जाएंगी। हुआ यूं कि अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल को मार्च के महीने में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और दिल्ली के तथा कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी बड़े नाटकीय घटनाक्रम में हुई थी। उच्च न्यायालय में गए तो थे वो न्याय मांगने, लेकिन उच्च न्यायालय ने कह दिया था दिल्ली हाईकोर्ट ने कि आप अगर उनको चाहें तो गिरफ्तार कर लें, हम आपको रोक नहीं रहे। और उसके बाद में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था, हिरासत में ले लिया था। बाद में वो पुलिस की हिरासत में रहे और जेल पहुंच गए। एक बड़ा ज़बरदस्त पहलू तब सामने आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुनाव प्रचार करने के लिए एंटरिम बेल दे दी थी। वो भी अपने आप में एक पहला ही मामला था, एक वो भी एक गजब का वाकया था जिसकी भी मिसाल दी जाएंगी। और उसके बाद में कल हुआ, यानी कि जब 2 जून को अरविंद केजरीवाल वापस जेल चले गए, जेल जाने के बाद में जो नियमित प्रोसेस चल रही थी उस प्रोसेस के तहत उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई भी हो रही थी। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी परसों और कल, यानी कि उनकी जमानत अर्जी पर जो सुनवाई हुई थी वो हुई थी बुधवार और बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई बहस जारी रखते हुए जो निचली अदालत की ट्रायल कोर्ट है, जो राउज एवेन्या कोर्ट की जो वेकेशनल यानी कि छुट्टी पर जो न्यायाधीश थी, छुट्टी पर कार्यरत न्यायबिंदु ने एक तरीके से एक अलग प्रकार की मिसाल कायम कर दी। कल यानी कि बृहस्पतिवार को देर शाम को 7 बजे के आसपास उन्होंने अपने दिए फैसले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। और अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए न्यायबिंदु ने ईडी पर कई प्रकार के सवाल भी खड़े किए। उन्होंने ईडी की जांच को कहीं ना कहीं पक्षपात से प्रेरित भी बताया, और उस मामले को लेकर यानी कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर ईडी ने न्यायबिंदु की अदालत में यानी कि जो ट्रायल कोर्ट में ये अपील ये भी की कि इस फैसले को 48 घंटे तक लागू ना किया जाए, लेकिन अदालत ने उस बात को भी नहीं माना और 1,00,000 के बॉन्ड पर उनको रिहा करने के लिए यानी कि जमानत देने की बात कह दी। आज यानी कि शुक्रवार को सुबह अरविंद केजरीवाल जमानत का बेल बॉन्ड भरते, लेकिन उससे पहले ही ईडी पहुंच गई हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में जा करके ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ईडी ने कहा कि हमको लोअर कोर्ट में यानी कि जो ट्रायल कोर्ट थी वहाँ पर सुना नहीं गया। आज जो कोर्ट के अंदर जो नज़ारा था वो भी बड़ा गजब का था, 5 घंटे से ज़्यादा बहस चली। और हाई कोर्ट ने सुबह 10 बजे जब ईडी पहुँची तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने जो डबल बेंच थी उन्होंने कह दिया कि तब तक इस फैसले को यानी कि जो अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने ट्रायल कोर्ट ने बेल दी है तब तक उसको ना माना जाए, तब तक उस पर रोक लगा दी जाती है जब तक उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। अब अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर सबसे पहली टिप्पणी तो जो कोर्ट में गई ईडी, तो अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल की आई, राजघाट पर गई थी वो सुनीता केजरीवाल, जहां पर आतिशी जो दिल्ली की मंत्री हैं आज उन्होंने अनशन किया था, उपवास किया था दिल्ली के जो जल की लड़ाई चल रही है उसके लिए। और उस मंच से सुनीता केजरीवाल ने अपने भाषण में सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार और ईडी पर कई प्रकार के आरोप मढ़े। सुनिए क्या कहा सुनीता केजरीवाल ने। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है।
अभी हाई कोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाई कोर्ट न्याय करेगा। और सुनीता केजरीवाल के बाद में सामने संजय सिंह भी आए, राज्यसभा के सदस्य है, जो खुद जमानत पर हैं शराब घोटाले में ही, तथाकथित शराब घोटाले में। संजय सिंह ने भी ईडी पर खूब सवाल उठाए। आप संजय सिंह को भी सुनिए। गोवा के इलेक्शन की जिस लेन देन की बात ईडी के द्वारा की जा रही है, उसका कोई तथ्य और प्रमाण, कोई मनी ट्रेल और सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। यानी सिर्फ कहानियां, झूठी कहानियां, बेबुनियाद कहानियां, फर्जी सबूत, फर्जी तथ्य, फर्जी प्रमाण। और मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करना। तो पूरी की पूरी ईडी सदमे में चली गई, सदमे से बेचारे निकल ही नहीं पा रहे थे। उनको उनके ऊपर के आताओं ने डांटा, बिगड़ा, अरे क्या किया तूने, तुझे तो जो काम कहा गया था ठीक से किया ही नहीं, चल लाइन में लग जा। बोले हुजूर कहां लगना, बोले सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच जा। पहुंच गई हाई कोर्ट ईडी। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हो क्या? बुद्धि काम करना बंद हो गई तुम लोगों की, तुम्हारी मत भ्रष्ट हो गई। अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए। शाम होते होते दोस्तों, शुक्रवार आज शाम होते होते दिल्ली की हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था, न्याय बिंदु का फैसला था, उस पर 7 दिन के लिए रोक लगा दी। और इसके साथ साथ ही ये कह दिया कि जब तक हम फैसला ना कर दें, तब तक निचली अदालत के फैसले पर रोक लगेगी। यानी कि अब दिल्ली के उच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि वो आने वाले दिन यानी कि सोमवार या मंगलवार, क्योंकि कल शनिवार और रविवार तो छुट्टी रहेंगी, 22 और 23 तारीख को अदालत बंद रहेगी, 24 या 25 तारीख यानी कि सोमवार या मंगलवार को हम फैसला सुनाएंगे, और हमारे फैसला होने के बाद में ही या तो निचली कोर्ट का फैसला लागू होगा, या फिर वो अगर दिल्ली की हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जो बेल दी है ट्रायल कोर्ट ने, उसको अगर निरस्त कर दिया तो फैसला खुद ब खुद पलट जाएगा। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अब 3 दिन तक और जेल रहेंगे। अभी उनके जो जेल से बाहर आने के जो रास्ते थे, जो आम आदमी पार्टी ने मिठाइयाँ बांटी थी, आतिशबाजी चलाई थी, लड्डू बांटे थे, वो उन पर कहीं ना कहीं धूल फिसर गई। और दूसरी बात दोस्तों ये है, जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि पिछले 24 घंटे देश की राजनीति और न्यायिक प्रणाली में हमेशा याद किए जाएंगे, तो न्याय बिंदु का फैसला तो याद किया ही जाएगा। न्याय बिंदु का फैसला कई मायनों में याद किया जाएगा। आप याद करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि ट्रायल कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीशों को बुलंद और दबंग होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उनको भी फैसले देने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि न्याय बिंदु एक तरह से पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की शागिर्द साबित हुई, और उन्होंने चंद्रचूड़ की बातों को अमली जामा पहनाया, अमल किया एक बुलंद फैसला दे करके। दूसरी बात, अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है या नहीं मिलती, लेकिन न्याय बिंदु का फैसला जो उन्होंने, न्याय बिंदु ने जो फैसला दिया, वो तो हमेशा लिखा जाएगा इबादत के अंदर, क्योंकि जो फैसले हो जाते हैं, जो बात लिखी जाती हैं, वो हमेशा अंकित हो जाया करती हैं इतिहास के पन्नों पर, वो दर्ज हो गई जिसमें कि न्याय बिंदु ने अपने किस्म का ये पहला फैसला दिया। तीसरी बात, न्याय बिंदु ने अपने उस फैसले के अंदर कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों पर जो विपक्षी दल आरोप लगाते हैं, जो तमाम सोशल मीडिया के लोग या मीडिया पर भी कई संस्थान सवालिया निशान खड़े किया करते हैं सरकारी एजेंसियों पर, तो न्याय बिंदु ने भी ईडी की कार्य प्रणाली पर सवाल तो खड़े कर दिए। चौथी बात, न्याय बिंदु ने उसके अंदर ये कह दिया कि जो हमारी एक पुरानी कहावत है कि भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर, भारतीय न्याय प्रणाली के अंदर भले ही 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, एक निर्दोष को किसी भी प्रकार की सजा नहीं होनी चाहिए। पांचवी बात,
पांचवी बात ये कि ईडी को और सरकारी एजेंसीज को न्याय बिंदु ने एक संदेश भेज दिया और वो संदेश अग्रेषित ये कर दिया कि केवल कयासों और केवल संभावनाओं के चलते आप किसी व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो पिछले 24 घंटे के जो फैसले थे, पिछले 24 घंटे का जो घटनाक्रम था, वो देश की राजनीतिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के अंदर अंकित रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से न्याय बिंदु ने कटघरे में कड़ा किया ईडी को, क्या उन बातों में वाकई दम है या न्याय बिंदु किसी बात से प्रेरित थी? दूसरा सवाल, आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली का उच्च न्यायालय जब सोमवार या मंगलवार को अपना फैसला देगा, उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी और या फिर अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे? और तीसरा सवाल, जो संजय सिंह आरोप लगा रहे थे, क्या सरकारी एजेंसियां आज भी पुराने ढर्रे पर ही सरकार की कठपुतली बनी हुई हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।